देखिए, मैं अपने को दलित नेता के रूप में नहीं अपने को घोषित करता हूं। श्याम रजक जी दलित आंदोलन के भस्मासुर हो गए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, दलित समाज से आने वाले, धोबी जाति से आने वाले श्याम रजक, जब नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होके नहीं कहिए, जब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से उनको निकाल दिया और मंत्री पद से बर्खास्त करा दिया, उसके बाद श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी में चल गए, इतना आप जानते होंगे। इसको लेके महागठबंधन में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, श्याम रजक का जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने श्याम रजक की महागठबंधन में एंट्री पर, राजद में एंट्री पर करारा तंज कसा है और इसका जोरदार तरीके से विरोध किया है। श्याम रजक के बारे में दानिश रिजवान, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर दानिश रिजवान, उन्होंने कहा है कि दलित समाज के भस्मासुर हैं श्याम रजक। देखिए कि दानिश रिजवान ने क्या कहा। देखिए, श्याम रजक जी से हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन आज जिस तरीके का उन्होंने राजनीति में काम किया है वो इस बात को बता रहा है कि श्याम रजक जी दलित आंदोलन के भस्मासुर हो गए हैं। कल तक दलित विधायकों की गोलबंदी की बात हो रही थी और एक ही पार्टी ने दलित विधायक की गोलबंदी को तोड़ने का काम किया था, आप उनके गोद में जाकर बैठ गए। अरे, राजनीति में मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है श्याम रजक जी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, आज जिस कदम को श्याम रजक ने अपनाया है उससे एक बात साफ हो चुकी है कि श्याम रजक जी को दलित आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, दलित आदिवासी भाइयों से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे चिपके रहना है। और मैं एक चीज बड़े स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं, बुरी तरीके से हारेंगे। फुलवारी की जनता उन्हें खोज रही है। दलित विरोधी कल तक जिनको वो कहते आ रहे थे, उनको कहते थे कि उनको दलित कहकर प्रताड़ित किया जाता है, आज उनके गोद में बैठ गए हैं। तो इस तरह से देखें कि डॉक्टर दानिश रिजवान, जो कि जीतन राम मांझी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाद, मांझी के बाद कोई अगर चेहरा दिखता है मीडिया में तो वो हैं दानिश रिजवान। नेशनल चैनल पर भी कई बार आप देखे होंगे। और जनरल बख्शी इसी दानिश रिजवान के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किए थे लाइव शो के दौरान और माँ की गाली तक दे दिए थे। तब दानिश रिजवान ने पूछा था कि चीन पर कब हमला करोगे, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी लाइव शो के दौरान, तो दानिश रिजवान को जनरल बख्शी ने मां की गाली दी थी। यही दानिश रिजवान है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और श्याम रजक, जो कि दलित समाज से जरूर हैं लेकिन दलित समाज के वो नेता नहीं, वो खुद कई बार कह चुके हैं कि मैं दलितों का नेता नहीं हूं, मैं दलित नेता नहीं हूं। देखिए, मैं अपने को दलित नेता के रूप में नहीं अपने को घोषित करता हूं। उस श्याम रजक के बारे में दानिश रिजवान ने कहा कि वे दलितों के भस्मासुर हैं। अराजद में की बात करें, अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो पहले से उसमें कई दलित नेता, उदय नारायण चौधरी हैं और शिवचंद्र राम हैं और साधु पासवान हैं जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। तो तीन तीन बढ़िया अच्छे दलित नेता ठीक ठाक उनमें है, अराजद में थे। और उसमें एक ऐसे दलित नेता को लाने की क्या जरूरत जो दलितों के गद्दार हों। और ये दानिश रिजवान का ही कहना नहीं है, ये दलित समाज के लोग भी कहते हैं कि श्याम रजक दलित समाज के गद्दार हैं, क्योंकि वो दलित समाज के लिए कोई भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। SC ST उद्यमी योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको कमीशन के चलते श्याम रजक खा पचा गए। तो श्याम रजक के राजद में जाने से राजद को क्या फायदा होगा, प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम जय भारत।